राधे राधे। आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ उस टॉपिक पर जिसका ख्याल हमारे मन में बहुत बार आता है। जब भी हम दुखी होते हैं, जब भी परेशान होते हैं और मंदिर जाते हैं या भगवान के सामने बैठते हैं, तो कई बार हमारे मुंह से निकलता है कि किन पापों की सजा है जो हमें मिल रही है। या कई बार हम गुस्से में होते हैं, हमारी परेशानियों का हल हमारे पास नहीं होता है, तब भी हम यही बात बोलते हैं कि ये किन पापों की सजा है जो हमें मिल रही है। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है। जाने अनजाने हमसे काफी ज्यादा पाप होते हैं, उनकी सजा हमें मिलती है। वैसे तो हमारे भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों को कभी कोई सजा नहीं देते, लेकिन कहते हैं ना, ये कर्म भूमि है, यहाँ जिस तरह के कर्म हम करेंगे उसी तरह के फल हमें मिलेंगे। आजकल के मॉडर्न जमाने में एक लाइन सुनने को और मिलती है कि ये तो सब दुनिया की बनाई हुई चीजें हैं, ये तो सब इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, तो अगर हम नहीं भी माने तो चलता है। अभी पीछे मैंने खुद अपने ग्रुप्स में या अपने सर्कल में ये चीज बहुत ज्यादा सुनी कि पीरियड्स में पूजा करने को मना क्यों किया जाता है, क्या देवी माँ को ये सब नहीं होता। तो मुझे इस बात पर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब शास्त्रों में लिखा है, कुछ दैविक नियम बनाए गए हैं जो कि शास्त्रों में लिखे हैं। कि मॉडर्न होने के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि हम तो फर्स्ट डे से भी भगवान को छुएंगे, भगवान की चीजों को हाथ लगाएंगे या नॉर्मल पूजा करेंगे, तो ये गलत है। बाकी नियमों को जैसे कि हमने बनाए हैं जो नियम, उन्हें भी तो आप मानते हैं, तो जब उन्हें मान सकते हैं तो फिर शास्त्रों के बनाए नियम क्यों नहीं मान सकते। खैर, इस पर भी अपनी अपनी खुद की सोच है और अपनी अपनी राय है। मैंने कुछ लोगों के घरों में देखा, उनके घर में मंदिर बना हुआ है लेकिन रोज पूजा नहीं होती। उनके घर में एक जगह पे एक मंदिर स्थापित है लेकिन वो रोज धूप दिया नहीं करते, वो सिर्फ दिवाली, जन्माष्टमी, होली, कोई बड़े बड़े त्योहारों पे दिया जला के धूप बत्ती कर देते हैं। तो ये तो ऐसी बात हुई कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं लेकिन आप उन्हें उनके हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी पर ही कपड़े देते हैं, खाना खिलाते हैं या उन्हें प्यार करते हैं। अजीब बात नहीं है? मुझे बहुत अजीब लगा। इसी तरीके से मैंने किसी के घर में देखा कि उनके यहाँ पे लड्डू गोपाल हैं, जन्माष्टमी पर उन्हें निकाला जाता है, सजाया जाता है, पालने में बिठाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं नए, और उसके बाद उन्हें निकाल कर स्टोर रूम में रख दिया जाता है। स्टोर रूम इतना से स्टोर बॉक्स जिसमें हम नॉर्मली पूजा का सामान रखते हैं। क्या ये सही है? ये भी मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, वहां मूर्तियों की स्थापना करते हैं, फोटोज रखते हैं, तो आपका विश्वास होता है ना कि आपके घर में मंदिर है और मंदिर में भगवान है। तो जब आपका विश्वास ये कहता है कि मेरे घर में मंदिर है और मंदिर में मेरे भगवान हैं, जिनसे मैं कुछ भी मांगता हूँ और मुझे देते हैं, जिनसे मैं थोड़ा डरता हूँ और जिनसे मैं क्षमा याचना भी करता हूँ, तब इतना विश्वास होने तक अगर आप किसी भी मूर्ति को, किसी भी भगवान की मूर्ति को स्टोरेज बॉक्स में रखते हैं पूरा साल और एक दिन उसे निकाल के सजाते हैं, सवारते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान मानते हैं, क्या ये सही है? क्यों आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए पूरा साल? उन्हें मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए? लड्डू गोपाल जी के बारे में कई लोगों की राय बहुत ही डिफरेंट मैंने सुनी है, जिसमें कि लोग कहते हैं हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। उनका तो ऐसा होता है कि 5 टाइम का भोग होता है, खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, नहलाना है, ये सब हम नहीं कर सकते। और ये तो वैसी बात हो गई कि आपके घर में कोई बच्चा हुआ और आपने कहा कि इस बच्चे का लालन पालन हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हम कौन होते हैं करने वाले? अगर आप बार बार पे भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान से हाथ फैला के बोलते हैं मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप नहीं कर सकते? जब आप खुद के लिए ही कुछ नहीं कर सकते तो आप कौन होते हैं भगवान के लिए कुछ करने वाले या उनकी सेवा करने वाले? उनसे, उनको आपसे सिर्फ भाव चाहिए। अगर आपका भाव है उनके प्रति, तो उसे करने के लिए या उसे दिखाने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उन चीजों के इंतजाम भी वो खुद ही करते हैं। जब आपको भूख लगती है तो आपके खाने का इंतजाम भी तो वही करते हैं ना, आपको राह दिखाते हैं, आपको रास्ता देते हैं, आपको कोई ना कोई तरीका देते हैं जिसपे चल के आप वो खाना प्राप्त करते हो जिससे आप अपनी भूख मिटाते हो। तो आप ऐसा जब कहते हो कि हम उनकी सेवा नहीं कर सकते, हम उनका ध्यान
ध्यान नहीं रख सकते तो सुन के बहुत हंसी आती है। और ये जो चीजें हैं आपके मंदिर में जो फोटोज होती हैं, तस्वीरें चित्र होते हैं, उनको आप भोग ना लगाएं चलता है, उनकी वस्त्र सेवा ना करें चलता है, उनकी श्रृंगार सेवा ना करें चलता है। रोज धूप दिया बत्ती आप मंदिर में करते हैं उन तस्वीरों की चित्रों की, बस ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर आपके मंदिर में मूर्तियां हैं तो उन्हें वस्त्र तो पहनाएंगे कि उन्हें निर्वस्त्र मूर्तियों को मंदिर में रखेंगे, क्या ये पाप नहीं हुआ? और एक बात है जो मैं सबसे ज्यादा सुनती हूँ कि हमारा जो जॉब है, हम रोज रोज सुबह इतना टाइम नहीं दे सकते, इतना पूजा पाठ नहीं कर सकते, हमें जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है तो हम इसलिए ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते। मंदिर तो बना रखा है लेकिन उसमें पूजा नहीं करते। तो कई लोगों के पास पेट होंगे, है ना, क्या आप ऑफिस जाते हो उन्हें खाना देना भूलते हैं? कई लोगों के घर में दादा दादी रहते होंगे, मम्मी पापा रहते होंगे, बड़े बुजुर्ग रहते होंगे जिनका ख्याल आप रखते हैं, तो क्या आप उन्हें खाना देना भूलते हैं रोज? क्या आप उनके लिए चीजों का रखना भूल जाते हैं या आप उसके लिए टाइम मैनेज नहीं कर पाते? आप सुबह अपना ब्रेकफास्ट करना भूलते हैं क्या? आप अपने कपड़े प्रेस करना नहीं भूलते? आप सुबह सुबह जाते जाते जल्दी जल्दी मेकअप करना नहीं भूलते? तो ये कैसी बात हुई कि हमें सुबह टाइम नहीं मिलता पूजा करने के लिए? देखिए, सबकी दिनचर्या अलग होती है, सबका रूटीन अलग होता है, सबके काम अलग होते हैं, इसमें एक्सक्यूजेस भी अलग होते हैं। आप क्या बहाने देते हैं इस चीज को अवॉइड करने के, या फिर आप क्या चीज को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, जब हर दुख में आप एक ही दरवाजा खड़खड़ाते हैं, एक ही जगह जाते हैं, एक ही बार भगवान को मनाते हैं कि जब आप दुखी होते हैं तो आप ये सब सुख में क्यों नहीं करते? जब आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, जब आप पार्टीज कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उस दौरान आपके पास ये वक्त क्यों नहीं होता कि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर सके? लेकिन जैसे ही आपका कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में तो आप घंटों घंटों मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में बैठते हैं, पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रोते गिड़गिड़ाते हैं। आप सीधा सीधा हिसाब लगाइए, LIC करवाते हैं, प्रीमियम भरते हैं तो ही मैच्योरिटी मिलती है ना, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको कोई फायदा मिलता है, आपने कहीं कुछ दिया होगा तभी आपको मिला होगा ना। खैर, भगवान तो बिना लिए भी बहुत कुछ दे देते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना श्रद्धा भाव सिर्फ मन में रख के दिखाएंगे कि हम मन में तो बहुत मानते हैं भगवान को लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है पूजा पाठ करने का, तो क्या ये सही है? आप खुद बताएं। अच्छा, ये सब चीजें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों को देख रही थी ये सब चीजें करते हुए, और जब मैंने उन्हें थोड़ा बहुत समझाया कि 2-4 मिनट निकालने से कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती, ये टाइम मैनेजमेंट की बात है, अगर हम अपनी पर्सनल चीजों के लिए टाइम मैनेज करते हैं तो पूजा पाठ के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आस्था नहीं है वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। आपको मतलब वो विश्वास ही नहीं है कि मैं 2 मिनट पूजा में अगर बैठ जाऊंगा तो मेरा दिन आज का बहुत अच्छा जाएगा, मेरे सारे काम अच्छे होंगे, मुझे हर जगह तरक्की मिलेगी, मैं बहुत खुश रहूंगा, अगर ये विश्वास आपके मन में नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं इजीली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज जो मैंने सबसे ज्यादा देखी, घर के मंदिर में पूजा नहीं करते लेकिन मंदिर जाके पूजा करते हैं। ये तो ऐसा नहीं हो गया कि घर के लोगों को खाना नहीं सर्व किया, बाहर कचौड़ियां बना के बांटे? अपने घर में पूजा नहीं करी, आपने मंदिर बना रखा है, भगवान को स्पेशली अपने घर में बुला रखा है कि मेरे घर में विराजमान रहे, मेरे घर की सुख समृद्धि बनाए रखे, मेरे घर पे ध्यान दे, ये कहकर आपने अपने मंदिर में उन्हें बिठा रखा है, लेकिन यहाँ आप पूजा नहीं कर रहे और मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं जहाँ वो समाज के लिए, हर इंसान के लिए विराजित है, हर किसी के लिए उन्होंने अपने द्वार खोले हुए हैं, वहां जाके आप पूजा करते हैं। मंदिर जाना गलत बात नहीं है, मंदिर जाइए, पर घर में भी पूजा कीजिए। जब आपने अपने घर में मंदिर बना रखा है तो आपको घर में भी पूजा करनी चाहिए ना। और जहां तक है बात सेवा की, तो कई बार ऐसा होता है कि जो सेवा होती है ना उसके तरीके इंसान को ऐसे हैवी लगने लग जाते हैं। अपने लिए आप चाहे 10 पकवान बनाएं लेकिन आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि भगवान की थाली निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा,
भगवान को भोग लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनका प्रसाद बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं क्यों, जबकि आप अपने लिए भी खाना बनाते हैं। जब आप अपने लिए बना सकते हैं तो भगवान को भोग क्यों नहीं लगा सकते। हाँ, जबकि क्या नॉनवेज बनता है या अनियन गार्लिक यूज होता है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उनके लिए भी काफी सारे ऑप्शंस हैं जो चीजें आप भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो सारी लिस्ट दे दूंगी जो आसानी से आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन मेरी बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर आप घर में मंदिर बना रहे हैं, भगवान को बिठा रहे हैं, भगवान से सारी आस लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा पूजा पाठ का वक्त जरूर निकालें। और पूजा पाठ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दो चार घंटे वहां बैठना है, मंत्र जाप करना है या कोई पाठ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने भगवान को घर बुलाया है, मूर्तियों को, तस्वीरों को अपने मंदिर में लगाया है, तो उनको वो दीजिए, वो सेवा दीजिए जो सेवा उन्हें देनी चाहिए। मूर्तियों को अगर आप घर में रखते हैं तो उनका श्रृंगार सेवा, वस्त्र सेवा, इत्र सेवा, भोग, ये जरूरी है। उन्हें ऐसे ही होम डेकोर की चीज मत समझिए, कोई एंटीक मत समझिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो गिफ्ट करते हैं, भगवान गिफ्ट करते हैं, भगवान की मूर्ति गिफ्ट करते हैं, तो वो ऐसे ही सजा लेते हैं घर में जैसे होम डेकोर की कोई चीज आई है, बट ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। गिफ्ट जो भगवान की मूर्तियों ने गिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, उसमें आपको पता लगेगा। क्योंकि आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है, ये किसी का गृह प्रवेश है, बर्थडे है, शादी है, तो सीधा गणेश जी की मूर्ति या भगवान शिव जी की मूर्ति या किसी भी भगवान की मूर्ति वो गिफ्ट कर देते हैं, तो उससे क्या दिक्कत होती है और वो क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो मैंने कहा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा आज जो मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो यही था, क्योंकि मैंने अपने आसपास ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखी और मुझे लगा जब मेरे आसपास इतनी ज्यादा है तो हो सकता है और भी बाकी लोग हों, और हो सकता है कि लोग कंफ्यूज हों, लोगों को पता ना हो कि हमें करना क्या एग्जैक्टली। तो अगर ऐसा है तो आपको मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके घर में मूर्ति है किसी भी भगवान की, किसी भी देवता की, तो उस मूर्ति को पूजे, सेवा करें, उन्हें वस्त्र पहनाएं, उन्हें भोग लगाएं, जितना हो सके उतना करें। ये ना हो कि साल में दो तीन बार आपके मंदिर के पट खुलते हैं। और अगर आपको लगता है ये सब ढोंग है, ये सब ड्रामा है, ये सब बकवास है, अंधविश्वास है, अगर आप इस तरीके के लोग हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी आस्था है, जिनके भाव है, लेकिन किसी भी कारण से वो कुछ नहीं कर पा रहे, उन्हीं के लिए। सो राधे राधे, भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहें।